राजा आजा। विंटर वाले फन फिर से स्टार्ट हो गए, देखो। वाह, ओ भाई इस साइड का वेदर देखो गाइस, बर्फ। ओ वाओ, और यहाँ पे देखो दिख रही है आपको अपने 800, ये देखो ये बड़ी से ब्रेक मारी एकदम फिसलती हुई गई हो, ऑल इंटो देखो कहाँ गई गई। और यहाँ पे तो टिक भी गई है, देखा ये फर्क है उस साइड का और नॉर्थ पोर्टल और साउथ पोर्टल का। अब यहाँ पे तो गाड़ियां फिसलते हुए जाएगी, फिसलते हुए टिक गई काफी। हमने लगा दिया 4x4, वैसे जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी रिस्क क्यों लेना है। मनाली की तरफ को पड़ती है हमेशा बर्फ, देखो ना ये धुंधी वाले एरिया में काफी पड़ रही है ना यहाँ पे। नाइस, इस टाइम ना यहाँ की कुछ इस तरह के नजारे देख रहे हो, बर्फ पड़ रही है और ये भाई प्रॉपर बर्फ है, ऐसा नहीं पानी वाली, प्रॉपर बर्फ है, जूते उसके गीले। और यहाँ भूख लगी काफी ज्यादा तो कुलचे दिख गए हमको, गाड़ी यहीं पार्क कर दी, थोड़ी सी वीडियोस वगैरह बनाते हैं, रील बनाते हैं और कुलचे खाते हैं। हम लोगों ने खा लिया, बाकी निकलते हैं इससे पहले कि बहुत ज्यादा बर्फ हो जाए और हम लोग बहुत ज्यादा गीले हो जाए, क्योंकि शूज गीले हो गए और आज मैं गले शूज लगा के आ गया, पता भी था मेरे को बर्फ में जा रहा हूँ, लेकिन ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी बर्फ पड़ रही होगी। राजा क्या ये मेरे को लगे इसका पेट नहीं भरा, मक्की खाने जा रहा है ये बंदा भाई। अच्छा गाय के लिए, अच्छा टाइटन आ रही हो देखो वहां से फिसलती हुई जाएगी। हाँ हम इसके पीछे भी जाएंगे, वो फिसलती हुई गई हो, गई 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 देखी आइटम देखिए आगे, ऑल इंटो देखो कहा गई 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 डम लग ही रहा था मेरे को जिस स्पीड में गया ना। ओ भाई खत्म, ब्रेक लगनी थी भाई क्या स्पीड, मैं स्पीड ही नहीं ले रहा था। अब वो भी खड़ा भाई, आप क्या कर रहे हो भाई, ऐसी गलती तो आपकी है ना, हमारी नहीं है भाई। देखो हम एक ही बटन दबा लेते हैं, इस बेचारे की ना फालतू में गाड़ी ठोक दी थी, इसकी तो गलती भी नहीं, बेचारा साइड में आराम से चला हुआ था, पूरी अंदर डाले और अंदर जो बैठे ना बेचारे उनके भी लग गई है। हुआ पता है क्या, ये अपनी जगह से बिल्कुल ठीक चला हुआ था, यहाँ पे आपने लाइव देखा है यहाँ से स्कॉर्पियो थे और वो स्पीड में थे, स्पीड में उन्होंने वहां पे ब्रेक मारी और वहां से वो खिसक गया और यहाँ पे जाके बच गया, और इस बेचारे का ये भी पूरा अंदर घुस गया, टायर में फंस गया है ये पूरा। विंटर वाले फन फिर से स्टार्ट हो गया, देखो। वाह, भयंकर सीन हो गया यहाँ पे यार, ऊपर से सारी गाड़ियां फिसल के आ रही है और इसकी गलती भी नहीं थी, स्कॉर्पियो वाला वहाँ पे था ठीक है, वो आराम से जाता, आई-10 वाला बहुत स्पीड में चला था ऊपर से और आई-10 वाला बेचारा इसको चौड़ा हो रहा है। ट्राई कर रहे हैं कि लीवर मेरे पास पड़ा हो ना रॉड, उससे निकाल लेंगे हम इसको बाहर को। सारी गाड़ियां फिसल रही है ऊपर से, देखो ना ये भी टूटी हुई है, ये फिसल के आई है। विंटर्स हैं राजा, विंटर्स आ गए वापस, ये पिछली बार भी यही हुआ था यहाँ पे, लास्ट टाइम बर्फ पड़ी थी ना। फिर अभी इनका सॉर्ट आउट पता क्या हुआ है, एक्चुअली जो अंदर इस फैमिली बैठी है ना, एक उनका सर बजा, जो ऊपर पिलर होता है ना ऊपर, वहाँ पे सर बजा और हल्की सी यहाँ से भैया ब्रो था, भाई आराम से जाओ, कहाँ वो देखो कितनी स्पीड में जा रहा है भाई,
और हुआ कि उनकी हल्की सी ब्लीडिंग हो रही है, तो टायर बच चुका है, टायर में ना पूरा बम्पर टच हो गया, और वो बम्पर लोहे का होता है, ऐसे पीछे होता नहीं है। तो अभी क्या सॉर्ट आउट हुआ है इनका सीन, सॉर्ट आउट ये हुआ है कि जो आई-10 वाले बंदे थे, गलती सारी उनकी थी, लेकिन वो उल्टा इसको चौड़े हो रहे, क्योंकि अकेला था ये बेचारा, छोटा सा नेपाली था, ठीक है छोटा सा, और इसको उल्टा चौड़े हो रहे हो कि तेरी गलती है, ये है वो है। वीडियो में लाइव दिख रहा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, गलती आई-10 वाले की थी, मानता हूँ स्कॉर्पियो आई, लेकिन मैंने वीडियो इसीलिए ऑन की क्योंकि पीछे से स्पीड में था, डेड ब्रेक मार रहा है एकदम, उसने ऐसे राइट को ले गया और डेड ब्रेक मारी और जागे इसका स्लाइड, और मैंने उसी टाइम बोल दिया, मैंने कहा ये बजी पक्का बजी, और बजी भी इतनी तगड़ी की, और इसको बोलते हो तो हम अपना करा लेंगे, तू अपना करा ले, बोला नुकसान। ये देखो सारे अब जबरदस्ती चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं गाड़ियां, नहीं चढ़ेगी भाई जी, क्यों? ओ भाई साहब जी, धक्का मार मार के चढ़ाएंगे, इससे मैं पीछे ही रहने वाला हूँ, या मैं पहले आगे निकलता हूँ, मेरे को जाने दो, बाय बाय। मैं तभी तो स्पीड में भगा रहा हूँ, जिप्सी को भगा सकते हैं हम यार, ये देखो ना ब्रेक मार रहा और रुक रही है, देखो जिप्सी, और 4x4 में ना हाई में रखी है मैंने, जिप्सी में उतनी टेंशन नहीं होती, ऊपर से अगर आपके पास टायर अच्छे हैं नए हैं तो टेंशन नहीं है। जब से यूको हमारा डाले मैं तो फुल कॉन्फिडेंस में चला हूं। ये जा रहे हो आई-10 वाले, यहाँ देखो अब ये इतने डर रहे हैं ना, इतनी आराम आराम से चले हुए डर के मारे, पता है पहले स्पीड में थे, और ऊपर से पता है कि इनके टायर जो है बिल्कुल ही टकरे, और लाइन वाइड नहीं होते टायर वो, और बिल्कुल खत्म, मेरे को लगता है 20% जाने उसमें सर। यार सोलांग में ना बारिश पड़ रही है ना बर्फ पड़ रही है, बिल्कुल ही डिफरेंट, मतलब यहाँ पे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ऊपर वो हाल चले जो आपको मैंने अभी दिखाए थे इधर पहले, यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल है। देखो हम लोग पहुंच चुके हैं बांग, ठीक है, और राजा को उतार रहा हूं मैं, और यहाँ पे देखो दिख रही है आपको अपने 800, ये देखो ये बढ़िया, आजकल बढ़िया राजा चला रहा है इसको, राजा मजा आ रहा है चलाने में, बढ़िया 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 बनाई ना, जल्दी से घर चलते और कपड़े वगैरह चेंज करते, और आप लोगों को मजा आएगा, काफी दिन के बाद हम लोगों ने बर्फ देखी और ऐसे कांड हुए एक्सीडेंट वाले, बाकी काम करते हैं घर चलते हैं अभी, और आज इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल के फ्रेश ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू गाइस। Minimum stress, that's your best classic.